चैट जीपीटी, ये एक अभी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई इज अ कंपनी बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये एक लैंग्वेज बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है कि ह्यूमंस के साथ जैसे वो नॉर्मल एक अदर ह्यूमन इंटरेक्शन करता है उसी बेसिस पे ये आपको रिप्लाईज देगा। बेसिकली ये एक चैट बॉक्स टाइप का है, ओपन एआई स्लैश चैट जीपीटी। इस पे जाके आप एक अकाउंट बना सकते हो। सिंपल स्टेप है, बस आपको ईमेल आईडी देना होता है, कोड आता है, वो कोड एंटर करना होता है, नॉर्मल जैसे प्रोसेस होता है। इसमें आप उसको कुछ भी चीज पूछ सकते हो, जैसे कि मेरा हाइट इतना है, वेट कितना होना चाहिए, या फिर सुबह मैंने ये खाया है, कैन यू प्लीज कैलकुलेट द कैलोरीज। फिटनेस इंडस्ट्रीज में जो जो थोड़े बहुत रिलेटेड है उनको पता है वेट लॉस के लिए एक ही वे सबसे अच्छा है, कैलोरी डेफिसिट पे जाना। आप कार्डियो करो, खाने से कम करो, कैसे भी करो, कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। बट उसके लिए आपको जानना है कि आपका जो बॉडी है उसका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे कि पूरे दिन भर ऐसे खा पी के सो रहे हो बस, तो उतने सारे एनर्जीज में एटलीस्ट आपको कितना खर्च होता है वो आपको पहले जानना जरूरी है। तो वो आप कैलकुलेट करोगे बीएमआर से। अब आपको आप पूछोगे बीएमआर क्या है, वो चीज हम चैट जीपीटी को पूछेंगे कि बीएमआर क्या होता है। तो अभी मैं अपने आईपैड स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। कैलकुलेट माई, कैन यू कैलकुलेट माई बीएमआर। तो अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे, कैन यू कैलकुलेट माई बीएमआर, सीधा मैं क्वेश्चन मार्क या फिर सेंड कर दिया मैंने इसको। अब ये रिप्लाई देगा उसको। सर्वर थोड़े बहुत डाउन भी रहते हैं कभी कभार, मतलब थोड़ा रिप्लाई लेट होता है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो रहा है अभी। सो आई कैन हेल्प यू एस्टिमेट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें इसने बोल भी दिया कि बीएमआर क्या होता है। बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड मी, बीएमआर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी रिक्वायर्स टू मेंटेन इट्स एसेंशियल फंक्शंस व्हाइल इट रेस्ट। इट्स द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स ईच डे जस्ट टू कीप योर ऑर्गन्स फंक्शनिंग, जो मैंने आपको बोला। अभी आपको कुछ कुछ डाटा मांग रहा है अपने एंड से कि आपका एज कितना है ईयर्स में, हाइट कितना है इंचेस और सेंटीमीटर्स में, वेट कितना है पाउंड्स और केजीज में, और आपका जेंडर क्या है। फिर मैं उसको सारे डिटेल्स आपको उसको फिर मैं फीड करूंगा, देखता हूँ फिर मैं, आप देखिए फिर वो क्या करता है उसमें। एज मैंने लिख दिया, एक फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 25। ग्रेट, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी विद एज। जानबूझ के मैंने एक सिर्फ एज ही लिखा, मैं देखना चाहता था कि वो क्या पूछ रहा है। कैन यू ऑल्सो टेल मी हाइट कितना है, वेट कितना है, जेंडर कितना है। मतलब इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि इसने ये बोला है, बाकी चीज तीन चाहिए। मतलब नॉर्मल एक ह्यूमन बींग जैसे आपसे बात करता कि हाँ एज बोल दिया, बाकी चीज तो बोल, वो वैसे ही कर रहा है। अब मैं उसको फिर रिप्लाई करूंगा। हाइट मैंने लिखा उसको, अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं मैं सिनेरियो 170, मेरा भी आसपास ही इतना ही है 170। फिर वेट मैंने लिखा 73 kgs। अब वो पूछ रहा है जेंडर, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, थैंक यू फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन यूज होता है। यो बीएमआर इज अप्रोक्सीमेटली 1739 कैलोरीज। तो ये बोल रहा है कि अगर आप कुछ ना करो, दिन भर सोए रहो, तो 1739 कैलोरीज है। अब ये आपको बोल रहा है, अगर आपको एक मोर एक्यूरेट चीज सही होता है तो उसके साथ एक एक्टिविटी फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हर कोई आदमी तो दिन भर खा पी के सो नहीं रहा ना, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। अभी वो बोल रहा है कि उसके लिए आपको एक एक्टिविटी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है एग्जैक्ट पता करने के लिए। अब मैंने उसको पूछा, ठीक है मुझे एक्टिविटी फैक्टर भी दे दो, मैं पता चल जाएगा मुझे। अब ये एक सिनेरियो था। अब ये इतना मतलब पर्टिकुलरली डिमांडिंग सिनेरियो है नहीं, क्योंकि ये तो आप गूगल से ही पता कर सकते थे। हाँ, आपको थोड़ा टाइम लगता कि बीएमआर पूछते, फिर कोई वेबसाइट पे जाते, फिर वहां पे देखते, थोड़ा टाइम लगता है। इसने क्या आपको डायरेक्टली कस्टमाइज करके, जैसे ह्यूमन बींग पढ़ के आपको बोल देता है समरी, ये इसने आपको ऐसे बोल दिया, बट स्टिल इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। अब हम लोग इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करने वाले हैं। अभी आपको मिल गया कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कितने हैं आपके। सपोज मैं देख रहा हूँ मेरा 2300 कैलोरीज है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ, और उसमें मैं देख रहा हूँ मुझे अगर थोड़े बहुत वेट लॉस करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 300 कैलोरी अगर डेफिसिट पे जाऊँ, मतलब अपने डाइट से मैं अगर 300 कैलोरी कम कर दूँ तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली यही करूँगा चैट जीपीटी के थ्रू। कैन यू गिव मी एन इंडियन डाइट चार्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, 73 kg, हाइट 173 cm, मेल। अभी मुझे प्रोटीन इंटेक, सपोज बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन काफी चाहिए होता है, सपोज 73 kg बॉडी वेट, मतलब उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि 160 kg प्रोटीन वुड बी एनफ, तो मैंने वो भी लिख दिया, द टोटल प्रोटीन अमाउंट शुड बी 160 kg। अभी देखो ये आपको पूरा ऐसे डिटेल में दे रहा है, मील वन दे दिया उसने, ब्रेकफास्ट
4 egg whites, 2 slices of whole wheat bread, 1 medium sized banana, 1 cup of green tea, meal 2, mid morning snack, 1 small apple, meal 3, meal 4. Oh my god. अब यहाँ पे एक बटन भी होता है regenerate response. ये भी अगर आपको ये रेस्पॉन्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको regenerate करवा सकते हो. मैं उसको फिर से और एक चीज बोल रहा हूँ. Can you suggest same thing? मुझे थोड़ा अलग वे में चाहिए, मुझे 6 meals नहीं खाने, तो मैं उसको थोड़े बहुत अलग ट्विक कर रहा हूँ कि मुझे 4 meal खाना है. ठीक है, तो मैं उसको वही लिख रहा हूँ. Can you suggest same thing with 4 meals? Keeping in mind मैं कितने बजे वर्कआउट करता हूँ वो भी उसको बोलूंगा, ताकि उस हिसाब से प्री वर्कआउट मील कैसा रहेगा, कितने टाइम पे रहेगा वो उसको बोलेगा. कीपिंग इन माइंड आई वर्कआउट एट इवनिंग, मैं इवनिंग में नॉर्मली वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने उसको वही लिखा. टाइम भी लिख रहा हूँ कि इवनिंग में कितने बजे वर्कआउट करता हूँ अराउंड, क्योंकि उस हिसाब से मील प्लान रहेगा. 8 बजे के आसपास में वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने लिख दिया उसको इन इवनिंग अराउंड 7:30. ओके, 7:30 लिखा. ठीक है, अब फिर से वो और एक देगा उसको. That provides around 2000 calories and 160 grams of protein per day. This meal is designed to provide you with enough energy and nutrients for your evening workout at 7:30 PM. अभी आप देखो क्या दे रहा है. Meal 1, meal 2 lunch. उसने थोड़ा वो चेंज किया उसने. Meal 3 रख दिया उसने. हाँ, यहाँ पे उसने एक प्री वर्कआउट रखा. प्री वर्कआउट शाम के टाइम पे एप्पल और वे शेक मिक्स विद वाटर. Meal 4 रखा उसने, पोस्ट वर्कआउट मील. अब मील 5 उसने रखा, 100 grams of grilled chicken breast or fish, 1 cup of mixed vegetables, 1 small bowl of curd. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, आपने नोटिस किया कि नहीं किया, यहाँ पे आप देखो कि मैंने उसको बोला था कि 4 मील इंडियन डाइट चार्ट होना चाहिए, बट आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 5 मील आपको सजेस्ट किया है. तो अपने हिसाब से वो डिसाइड कर रहा है कि 4 मील तो दे रहा हूं, बट प्री वर्कआउट मील उसने छोटा सा रखा, उसमें कुछ था नहीं, एप्पल था और एक बनाना क्या था वो हुए शेक था. तो ये क्या कर रहा है, 4 मील आपको दे रहा है, कंसिडर भी कर रहा है माइंड पे कि ये प्री वर्कआउट छोटा सा मील इसको देना भी है. जैसे कि इसमें है बहुत सारे एग व्हाइट्स हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड, मीडियम साइज बनाना. देखो ये ना आपको एक सैंपल डाइट चार्ट दे रहा है, आप इसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको एक ओवरऑल आइडिया आप ले सकते हो कि अच्छा मुझे इतना 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 खाना है, तो मुझे 2000 कैलोरीज हो जाएगा और 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा. थोड़े बहुत आप उससे चेंज कर सकते हो, जैसे कि 4 एग व्हाइट्स आपने 3 खाने 5 खाने, इतना कुछ तो फर्क नहीं पड़ता. उसमें 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड लिखा आपने, उसमें 3 स्लाइसेस ऑफ व्हाइट ब्रेड भी डाल सकते हो, व्हाइट ब्रेड उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता, अगर ग्लूटेन से आपको कोई दिक्कत नहीं है. ग्रीन टी की जगह आप कॉफी भी यूज कर सकते हो. तो ये 2 सिनेरियो मैंने आपको बोला, देयर विल बी लाइक हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोस आप उसको यूज कर सकते हो, जस्ट टू आपको देने के लिए कि आप इस वे में भी यूज कर सकते हो. मैंने वीडियो बनाया बिकॉज आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग. सो दिस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.